हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज, दैट इज रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक टू कार्बोनिल ग्रुप। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स विथ कार्बोनिल ग्रुप, हाउ और विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, और ये रिएक्शन किस तरह से कैरी आउट होगी, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस रिएक्शन यू शुड नो सम कॉन्सेप्ट्स, दैट्स आर एंड पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑर्गेनोमेटालिक्स। यू आर वेल फैमिलियर, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स। आपके पास दो टाइप्स के ऑर्गेनोमेटालिक्स हैं। पहला ऑर्गेनोमेटालिक दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होगा? फर्स्ट वन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट मीन्स आर एम जी एक्स। वो क्या होता है? आर एम जी एक्स। आर एम जी एक्स, आर मीन्स अल्किल ग्रुप, अरिल ग्रुप और बेंजिल ग्रुप, वो हो सकता है या अरिल ग्रुप भी हो सकता है। X means हैलोजन, ये X क्या हो सकता है यहाँ पर? हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एंड सेकंड वन ऑर्गेनोमेटालिक इज ऑर्गेनोलिथियम। ये क्या है? ऑर्गेनोलिथियम। ऑर्गेनोलिथियम means R Li, ये होना चाहिए ऑर्गेनोलिथियम। R means once again you can write अल्किल, अलील और अरील। वो क्या हो सकता है? अरील। तो हमारे पास दो टाइप्स के ऑर्गेनोमेटालिक्स हैं, एक फर्स्ट वन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स एंड सेकंड वन ऑर्गेनोलिथियम दैट इज आर एल आई। ओके, नाउ वी हैव टू कंसिडर वन ऑर्गेनोमेटालिक्स दैट इज आर एल आई ऑर्गेनोलिथियम एंड अनदर वन इज कार्बोनिल ग्रुप। यहां मैं रेफर कर रहा हूं कार्बोनिल ग्रुप। अब यहां पर आप देख सकते हो, ये होगा यहां पर R, R means अल्किल। I can write in this case CH3, that means methyl, और यहां पर ये कार्बन होगा, ये ऑक्सीजन होगा। If I referred इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट करता हूं, then you can observe in this case कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, that is 2.5। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5, ओके। कार्बन यू आर वेल फैमिलियर 2.5 एंड ऑक्सीजन इज नथिंग बट 3.5। तो यहां आप देख रहे हो कार्बन का ईएन एज कंपेयर टू लिथियम क्या होता है? ग्रेटर। तो यहां पर ये बॉन्ड कौन पुल करेगा? कार्बन पुल करेगा, ओके। एंड इन दिस केस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन मोर होने के रीजन से यहां ये बॉन्ड ऑक्सीजन पुल करेगा। तो यहां आप देख सकते हो दो टाइप्स के ऑर्गेनोमेटालिक्स हमारे पास थे, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा ऑर्गेनोलिथियम। तो ऑर्गेनोलिथियम लेने के बाद मैंने कार्बोनिल ग्रुप रेफर किया, तो कार्बोनिल ग्रुप में यहां पाई बॉन्ड पोलराइज हुआ है और यहां पर ऑर्गेनोलिथियम में सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हुआ है। क्या हुआ है यहां पर? सिग्मा बॉन्ड पोलराइज, दैट मीन्स आई कैन राइट इन दिस सिग्मा बॉन्ड गेट पोलराइज एंड इन दिस पाई बॉन्ड गेट पोलराइज। यहां पर पाई बॉन्ड पोलराइज हुआ है, तो सिग्मा बॉन्ड पोलराइज होने के रीजन से यहां पर क्या क्रिएट हुआ है? एक न्यूक्लियोफाइल यहां पर जनरेट हुआ है। दैट मीन्स यहां आप देख सकते हो न्यूक्लियोफिलिक साइट डेवलप। क्या हुआ यहां पर? न्यूक्लियोफिलिक साइट डेवलप हुई है। तो यहां पर ये बॉन्ड जब यहां पर ओ के तरफ शिफ्ट होता है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक साइट डेवलप इन दिस केस, डेवलप इन दिस केस। तो यहां पर यू कैन ऑब्जर्व इन बोथ द केसेस इलेक्ट्रोफिलिक साइट डेवलप ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड न्यूक्लियोफिलिक साइट डेवलप ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से दोनों में पोलराइजेशन होके दोनों में इंटरेक्शन होता है। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हिच, दैट इज सॉल्वेंट व्हिच इज यूज इन दिस रिएक्शन। द सॉल्वेंट व्हिच आर यूज इन दिस आर प्योरली अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज, आर प्योरली कौन से होने चाहिए? अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट दैट मीन्स आई कैन राइट, यू कैन ऑब्जर्व, ये होना चाहिए, इट कैन बी रिटन एज
ओके, डाइथिल एथर क्या होता है ये, डाइएथिल एथर। आई कैन राइट टीएचएफ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। आई कैन राइट डाइऑक्सेन, यहां मैं रेफर कर सकता हूं डाइऑक्सेन। आफ्टर देन डाइमिथॉक्सी इथेन, यू कैन राइट डाइमिथॉक्सी इथेन। तो यहां पर आपने देखा सच टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप कैन बी रन इनटू द अप्रोडक्ट सॉल्वेंट, ये अप्रोडक्ट सॉल्वेंट में ही रन किया जाता है। तो ये तीन चीजें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। यू शुड नो सच टाइप ऑफ थ्री कॉन्सेप्ट्स, इफ दिस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर देन यू कैन रन एनी टाइप ऑफ रिएक्शन एसोसिएटेड विद ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड कार्बोनिल ग्रुप। तो यहां पर क्लियर हो चुका है सॉल्वेंट कौन सा यूज करना है, अप्रोडक्ट सॉल्वेंट यूज करना है। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो डेवलप होते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप में पाई बॉन्ड के पोलराइजेशन से होता है। तो यहां पर ऑर्गेनोलिथियम ग्रुप में सिग्मा बॉन्ड के पोलराइजेशन से होता है। और हमारे पास दो टाइप्स के ऑर्गेनोमेटालिक्स है, दोज मेटालिक्स आर ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोलिथियम। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक दैट ऑर्गेनोमेटालिक्स, ऑर्गेनोमेटालिक्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। देयरफॉर फर्स्ट वन, हाउ टू मेक ग्रिगनार्ड रिएजेंट, पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। टू मेक द ग्रिगनार्ड रिएजेंट देन यू कैन ऑब्जर्व अल्किल हैलाइड, क्या लिया है मैंने यहां पर अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड एंड रिएक्टिंग विद मेटल एज अ मैग्नेशियम इन प्रेजेंस ऑफ अ प्रोडक्ट सॉल्वेंट ओके डाइथिल एथर, देन बाय इंसर्शन रिएक्शन वी ऑब्टेन आर एमजीएक्स। रिएक्शन कौन सी थी ये, दिस रिएक्शन इज नथिंग बट इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन। और यहां पर आप देख सकते हो आर एक्स अल्किल हैलाइड, यहां पर ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में मैग्नीशियम क्या हुआ है, इंसर्ट हुआ है। यहां पर यू कैन ऑब्जर्व आर मेंस, क्या ले सकते हैं हम, अल्किल हो सकता है, आर मेंस अलील और इट मे बी अरील, और जो एक्स होना चाहिए दैट एक्स इज नथिंग बट क्लोरीन ब्रोमीन अदरवाइज आयोडीन, अदरवाइज आयोडीन। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर ग्रिगनार्ड रिएजेंट बाय यूजिंग अ प्रोडक्ट सॉल्वेंट व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्टिंग विद मेटल यू ऑब्टेन ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड रिएक्शन इज प्योरली इंसर्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, इंसर्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। नाउ एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कुछ एग्जांपल से यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा। सपोज फर्स्ट वन इज द ब्रोमीन, यहां पर लिया है मैंने प्रोपिल ब्रोमाइड, वन ऑफ द कंपाउंड वी हैव टू कंसिडर साइक्लिक ओके साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। नाउ थर्ड वन आई कैन राइट, ये एक यहां पर ले सकता हूं, फोर्थ वन बेंजील क्लोराइड एंड फिफ्थ वन ये यहां पर भी कंसेप्ट ले सकता हूं। अब यहां पर आप देख रहे हो ये मैंने जो लिया है दिस इज अल्किल हैलाइड, ये तीन एग्जांपल अल्किल हैलाइड के लिए है, ये अरिल हैलाइड के लिए है, और यहां पर ये मैंने लिया है व्हाट डबल बॉन्डेड कंपाउंड दैट मींस अल्किन ग्रुप विल बी देयर। तो अब हमें प्रिपेयर करना है ऑर्गेनोमेटालिक्स एज अ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो यहां पर मेटल आई वांट टू रेफर मैग्नीशियम ओके, दिस अल्किल और अरिल हैलाइड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ, आप अप्रोडक्ट सॉल्वेंट रेफर कर सकते हो, आप कौन सा भी सॉल्वेंट रेफर कर सकते हो। तो यहां पर अप्रोडक्ट सॉल्वेंट जो मैंने लिए थे वो कौन से थे, वो लिए थे मैंने डाइऑक्सेन टीएचएफ, यू कैन राइट हेप्टेन हेक्सेन, आप इसे भी यहां पर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन यूज सच टाइप ऑफ कंपाउंड। तो यहां पर टीएचएफ आई कैन राइट डाइथिल इथर, I can write dioxane,
वंस अगेन THF, मैं यहाँ पर THF ले सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, इट बिकम्स व्हाट? ब्रोमीन। तो ये मैग्नीशियम जो इंसर्ट होगा वो इस बॉन्ड में इंसर्ट होना चाहिए, ओके? यहाँ पर भी मैग्नीशियम का इंसर्शन इस बॉन्ड में होना चाहिए, इन दिस केस इट इंसर्ट इन दिस बॉन्ड, ओके? तो यहाँ पर आप देख रहे हो, बाय इंसर्शन यू ऑफ 10 व्हाट MgBr, क्या मिलना चाहिए यहाँ पर? MgBr, इन दिस केस यू कैन राइट MgCl, MgCl, ये ले रहा हूं यहां पर अरेल, आई कैन राइट MgCl, और यहां पर आप देख रहे हो दिस इज वंस अगेन MgCl। तो इस तरह से आप ऑर्गेनोमेटालिक्स एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट वन, हाउ टू मेक दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय यूजिंग मेटल विथ व्हाट अप्रोडिक सॉल्वेंट। ये कंपलसरी नहीं है कि अप्रोडिक सॉल्वेंट कौन सा यूज किया जाए, आप कोई भी अप्रोडिक सॉल्वेंट वहां पर यूज कर सकते हो। तो मैंने यहां पर कुछ रिएक्शन में डाइथिल ईथर, कहीं पे THF, कहीं पे डायोक्सेन, इस तरह से इसे यूज किया है, ओके? नाउ अब देखेंगे, दिस इज फर्स्ट वन, हाउ टू मेक ग्रिग्नार्ड। नाउ वी डिस्कस हाउ टू मेक ऑर्गेनोलिथियम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, हाउ टू मेक ऑर्गेनो लिथियम नंबर बी। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। नाउ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड इन विच ऑल्सो कंसिडर अल्किल हैलाइड, ओके, आर रिएक्टिंग विद द मेटल एज अ लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ वंस अगेन व्हाट अ प्रोडक्ट सॉल्वेंट, देन वी ऑफ 10 आर Li प्लस, यहां पे मैं ले रहा हूं X, क्या होना चाहिए यहां पर? आर एल आई, दैट मीन्स यहां पर मिल सकता है मुझे X2, इस तरह से आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। पॉइंट्स ले लो, यू कैन राइट LiX, क्या मिलेगा यहां पर? LiX। तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ये होना चाहिए, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। अब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यहां पर आप देख रहे हो, दिस एक्स गेट रिप्लेस बाय लिथियम, और पहले में हमने देखा था कि वहां पर हो रहा था इंसर्शन रिएक्शन, यहां पर होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यू ऑब्टेन व्हाट? ऑर्गेनोलिथियम। तो यहां पर ऑर्गेनोलिथियम में R मीन्स वंस अगेन अल्किल, अरिल और अलिल हैलाइड, अलिल होना चाहिए, और यहां पर जो X होगा दैट X इज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होना चाहिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां पर आप देख सकते हैं एग्जांपल्स के तौर पर, कुछ एग्जांपल्स से चीजें क्लियर होगी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्लोरीन। नाउ सेकंड वन, नाउ एग्जांपल नंबर थर्ड, ये ले रहा हूं अलिल हैलाइड, साइक्लोहेक्सिल हैलाइड, नाउ सेम वन, यहां पे यूज करना है मेटल एज अ लिथियम, मेटल एज अ लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ अ प्रोडक्ट सॉल्वेंट दैट इज THF A2O, दैट मीन डाइथिल इथर, यहां पे यूज हम कर सकते हैं। हेक्सेन, यू कैन राइट हेक्सेन। नाउ यहां पर आपने देखा है कि सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन दिया है, ये होना चाहिए सब्स्टिट्यूट बाय लिथियम,
That means you off 10. लिथियम, यहां पर ब्रोमाइड रिप्लेस होगा. इन दिस केस वंस अगेन ब्रोमाइड रिप्लेस होना चाहिए. यहां पर साइक्लिक क्लोराइड लिथियम से रिप्लेस किया जाएगा एंड इन दिस केस ये होना चाहिए लिथियम. तो यहां पर आपने देखा हाउ टू मेक दैट ऑर्गेनोलिथियम बाय यूजिंग द अप्रोडिक सॉल्वेंट. इस तरह से यहां पर हम ऑर्गेनोमेटालिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एज ऑर्गेनोलिथियम. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज हाउ टू मेक ऑर्गेनोमेटालिक बाय डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्काइन. Actually, this is hydrogen attraction reaction in which this alkyne get converted into highly active what organometallic alkyne. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, suppose that one of the alkyne when reacting with organometallic compound likewise butyl lithium, at that time this hydrogen get attracted by this nucleophile butyl and converted into butane and we obtain what lithium alkyne. तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, lithium alkyne along with butane. Likewise, in second example, if we have to consider one of the Grignard reagent CH3MgBr, at that time this hydrogen get extracted by this nucleophile CH3, yahan bhi hydrogen extraction hi hoga, then formation of what this Grignard reagent in which consists of MgBr get attached to this alkyne and we obtain such type of compound along with methane. This all the reactions which carry out in presence of a product solvent as THF, tetrahydrofuran. तो इस तरह से deprotonation of alkyne से भी हम यहाँ पर क्या prepare कर सकते हैं, organometallic compounds prepare कर सकते हैं. Now move to the next one, that is reaction of what organometallics in number D, reaction of organometallics with aldehyde and ketones. अब हम डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड कीटोन्स के साथ ऑर्गेनोमेटालिक्स के रिएक्शन विथ मैकेनिज्म. नाउ एग्जांपल नंबर फर्स्ट. नाउ यू शुड नो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. तो यहां पर आप देख सकते हो दिस इज वन ऑफ द साइक्लिक कीटोन. क्या लिया है यहां पर मैंने, एक साइक्लिक कीटोन. साइक्लिक कीटोन व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दैट इज लिथियम, यहां पर ले रहा हूं नंबर फर्स्ट इन फर्स्ट स्टेप. इन सेकंड स्टेप फॉर प्रोटोनेशन वी हैव टू कंसिडर वॉटर. क्या लिया है यहां पर, वॉटर. एट दैट टाइम व्हाट विल बी ऑब्टेन, यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस. आप देख सकते हो इन मैकेनिज्म यहां पर क्या होना चाहिए, दिस इज साइक्लिक कीटोन. ओके, साइक्लिक कीटोन में यहां पर ऑक्सीजन अटैच टू कार्बन बाय डबल बॉन्ड, दैट मींस वन ऑफ द सिग्मा एंड वन ऑफ द पाई आर रिएक्टिंग विद व्हाट, दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड. तो यहां पर लिथियम इज अटैच टू दिस कार्बन. तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर जो बॉन्ड पोलराइज होगा दैट इज सिग्मा बॉन्ड और यहां पर पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड पोलराइज होने के रीजन से यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ और यहां लिथियम ये होगा पॉजिटिव. तो यहां पर ये बॉन्ड जो न्यूक्लियोफाइल एक्ट होगा अटैक करेगा इस कार्बन पर. देन फॉर्मेशन ऑफ इन दिस फर्स्ट स्टेप वी ऑब्टेन ओ माइनस एंड 1, 2 and 3 कार्बन. इस तरह से ये कंपाउंड आपको यहां पर मिलना चाहिए. ओके, नाउ इन सेकंड स्टेप प्रोटोनेशन विल बी देयर, H प्लस का अटैक. तो प्रोटोनेशन में O माइनस इसे कैप्चर करके यहां पर फॉर्म कर देगा योर फाइनल कंपाउंड अल्कोहल.
ये क्या बना है यहाँ पर, अल्कोहल। तो आप देख सकते हो इन दिस रिएक्शन इन फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन, देन वी ऑब्टेन अल्कोहल। इन दिस वे एल्डिहाइड कीटोन के साथ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ये रिएक्शन कर सकता है। नाउ बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस सेकंड वन ये ले रहा हूं, ये एक वंस अगेन कीटोन रिएक्टिंग विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट PHMGBr विथ वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी ऑब्टेन। नाउ थर्ड स्टेप इन दिस बेंजा अल्डिहाइड reacting with Grignard reagent with water molecule, what will be obtained, and fourth reaction is once again aldehyde reacting with Grignard reagent as a isopropyl magnesium chloride H+H2. Now question arising, what will be obtained in these three examples? तो यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट वन इज अ कीटोन, ये यहां पर कीटोन दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कीटोन 1, 2, 3 and 4, तो क्या होना चाहिए यहां पर, ये 2-butanone, क्या होगा 2-butanone। दिस कीटोन व्हेन रिएक्टिंग विद या PHMGBr दैट मींस व्हाट, दिस इज एरोमेटिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो यहां पर क्या होगा, ये MGBr दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव होता है, और ये एक्ट होगा व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होके ये अटैक कर देगा एंड फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट यहां पे डायरेक्ट मैं ड्रॉ कर सकता हूं। एक तरफ बनेगा OH एंड अनदर वन पीएच। एंड सेकंड एग्जांपल यू कैन ऑब्जर्व दिस पीएच इज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, और ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। वंस अगेन बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट, ये यहां अटैक करेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ये मिला OH, ओके, और यहां पर मिलना चाहिए PH। एंड इन थर्ड एग्जांपल वंस अगेन दिस इज MG, तो यहां पर आप देख सकते हो ये होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल, यहां अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के बाद व्हाट यू ऑब्टेन, दिस इज बाय प्रोटोनेशन OH, यहां पर आइसोप्रोपिल ग्रुप, और ये हुआ हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा हाउ टू ऑब्टेन द अल्कोहल फैन व्हाट अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्टिंग विद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एज ऑर्गेनोलिथियम अदरवाइज ग्रिगनार्ड रिएजेंट ए वाटर। दैट मींस वाटर यहां पर जो यूज किया है दैट इज ओनली फॉर प्रोटोनेशन रिएक्शन। तो इस तरह से दिस इज व्हाट सम रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहां पर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और ऑर्गेनोमेटालिक के रिएक्शंस किस तरह से अल्डिहाइड कीटोन के साथ होते हैं, उससे क्या क्या मिलता है, अटैक किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इस लेक्चर से जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाला कंसेप्ट है, जो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन दैट मीन्स अल्किल हैलाइड में जो यूज किया गया है, ये कंसेप्ट पूरी तरह से यहां पर क्लियर हो जाता है। अगर ये प्रॉपर तरीके से समझ में आया है तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का कोई भी कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।